वो मैं ही करा देता हूँ। तो बच्चों, अभी तक हम मेटलर्जी में ये पढ़ चुके हैं कि जो भी मेटल्स नेचर में पाए जाते हैं, वो मेटल हमेशा कुछ कंपाउंड बना के नेचर में मिलते हैं, और वो कंपाउंड जिनमें मेटल नेचर में पाया जाता है, उन कंपाउंड्स को मिनरल कहते हैं। वो पत्थर जिसमें मेटल नेचर में पाया जाता है, उन्हें मिनरल्स कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? हेलो, नो सर। चलो अब मैं रुकूंगा नहीं, मैं बोलता जा रहा हूँ, जिसको कहीं दिक्कत होगी रोक लेगा, है ना। अच्छा, वो मिनरल जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन आसानी से और सस्ते में, कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली हो जाता है, उस मिनरल को हम ओर कहते हैं। इसका अर्थ है कि सारे ओर मिनरल होते हैं, पर सारे मिनरल ओर नहीं होते हैं। ओर में जो पत्थर नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उनमें जो इम्प्योरिटी रहती है, हम इम्प्योरिटी उन मेटल्स को भी मानते हैं जो हमें फिलहाल एक्सट्रैक्ट नहीं करने हैं, उस गंदगी को हम गैंग कहते हैं। और गैंग से ओर को अलग करके मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की प्रक्रिया को मेटलर्जी कहते हैं। मेटलर्जी में सबसे पहले हम ओर को क्रश करते हैं, फिर उसमें गंदगी हटाने यानी कंसनट्रेशन करते हैं, फिर जनरली हम उसे मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं, और जब मेटल मिल जाता है तो लास्ट में उसका प्योरिफिकेशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मेटल का जब भी हम मेटलर्जी करने का प्रयास करते हैं, तो बात आती है कि जो भी मेटल है वो नेचर में, मैं सीधा फ्लो चार्ट पे आता हूँ, जो भी मेटल है वो नेचर में जब एक्सट्रैक्ट होते हैं, तो उनके जो पत्थर हैं वो उनकी रिएक्टिविटी के आधार पे पाए जाते हैं। कुछ मेटल्स होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, वो जनरली नेचर में प्योर स्टेट में होते हैं, और नहीं होते हैं तो उनकी मेटलर्जी का आसान तरीका है इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब मॉल्टन मेटल को पिघला के बिजली पास कर दो, आपको मेटल मिल जाएगा। कोई दिक्कत? बोलना पड़ेगा बच्चों, नो सर। चलो।